कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है कि आप जाके फैशन शो शुरू कर दो, ये बात नहीं होता है। ये बात आपका मन में रहना चाहिए कि मुसलमान बच्चियों को भी पढ़ने का अधिकार है, उनको भी डॉक्टर बनना चाहिए, उनको भी इंजीनियर बनना चाहिए। कहाँ आप उनको हिजाब का चक्कर में फंसा रहा है? तो हिजाब आप पहनो, आपका घर में पहनो, जहाँ भी पहनो, लेकिन जब कॉलेज और स्कूल में आप जाते हो तब स्कूल कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनो। वो यूनिफॉर्म से आपका बीच में समानता आएगा, आपका बीच में इक्वालिटी आएगा, एक दूसरे का बीच में प्यार और मोहब्बत होगा, आप आगे जा सकेगा। लेकिन कांग्रेस बोल रहे नहीं नहीं, मुसलमान बेटियों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, उनको हिजाब पहनना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। अरे बाबा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पास करने के बाद वो लोग को क्या रिलायंस में नौकरी मिलेगा? उनको क्या अदानी में नौकरी मिलेगा? उनको क्या टाटा में नौकरी मिलेगा? हमारा मन में यही है कि ऐसा यूनिवर्सिटी बने जो यूनिवर्सिटी से मेरा उत्तराखंड का व्यक्ति, उत्तराखंड का बच्चा बच्ची जाके एम्स में नौकरी मिले, उनको पूरा देश में नौकरी मिले, ऐसा यूनिवर्सिटी हमको चाहिए। कि भाई आपको सरकार आने से अध्यक्ष पद दे दूंगा, उपाध्यक्ष पद दे दूंगा, लेकिन आप जाके बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं, सरकार आने से आपको मैं उसकी यूनिवर्सिटी दे दूंगा। अरे ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये कौन सा धर्म निरपेक्षता है? तो मेरा असम में सरकार आया, मैंने एक कानून बनाया कि कोई मंदिर का 5 किलोमीटर तक गोमांस का कोई व्यवसाय हो नहीं सकेगा, मैंने कानून बनाया। तो कांग्रेस वाला लोग असेंबली में बोला आप क्यों कानून बनाया, हम इसको विरोध करता है। मैं बोला ज्यादा विरोध मत करो, 10 किलोमीटर कर दूंगा, 5 किलोमीटर को 10 किलोमीटर कर दूंगा। आप देखिए, मुसलमान लोग आपत्ति नहीं करता है, कौन आपत्ति करता है? कांग्रेस का लोग आपत्ति करता है। इसलिए कांग्रेस तुष्टिकरण का राजनीति कांग्रेस का DNA बन चुका है। अरे भाई, आप क्या नमाज का दिन में ऑफिस बंद होगा? ये क्या क्या आप क्या बनाना चाहते हैं? एक जिन्ना तो देश को टुकड़ा टुकड़ा करके लेके गया है, और आप क्या आपका जिन्ना का भूत घुस गया है क्या? ये देश को आप दोबारा टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं क्या?